बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फोर्थ टीचिंग ऑस्की टेस्ट हुआ फाइनल ईयर के लिए। टीचिंग ऑस्की एक इनोवेशन है जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इब्न सीना यूनिवर्सिटी और मोहम्मद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने शुरू किए। इससे पहले हम लोग टीचिंग एमसीक्यूज का भी प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं जो चल रहा है, जिसके तहत हमारे हर क्लास के 40 वीकली टेस्ट होते हैं एमसीक्यूज के, और वो टीचिंग एमसीक्यू इसलिए कहलाते हैं कि उसके अंदर हम जो टॉपिक्स रखते हैं उसका टीचिंग मटेरियल भी स्टूडेंट को फराहम करते हैं पहले, ताकि वो पढ़ कर आएँ। उसके बाद उनके एमसीक्यूज होते हैं, फिर जो गलतियाँ होती हैं उनको वो बाकायदा तौर पर उनको लिखते हैं कि ये हमसे गलती हुई और ये इस तरह से हुई, जिसको के जैसे कि इस्लाम में होता है इस्तग़फ़ार होता है, वो इस्तग़फ़ार की तौर पे होता है। उसके बाद उस पर क्लास होती है, तो वो गलतियां हमेशा के लिए स्टूडेंट के जहन से निकल जाती हैं। तो ये 40 टेस्ट हर क्लास के होते हैं। इसी तरह से टीचिंग ऑस्की जो है उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट चार स्टेशन मेडिसिन, चार सर्जरी, 3 गायनियोप्स और 3 पीड्स के स्टेशन पर जाता है, वो या टोटल वो 14 स्टेशन पे जाता है। और इन 14 स्टेशन पे टीचर उसे एक देता है तस्वीर के साथ कोई प्रॉब्लम विग्नेट जिसको कहते हैं, यानी केस रिपोर्ट, उससे वो डायग्नोज करता है। फिर उस कंडीशन के मुताबिक 10 सवाल होते हैं, हर सवाल के एक नंबर होता है। तो इस तरह वो, यानी आप ये समझें कि 14 स्टेशन पे जाता है एक दिन में, और उन 14 स्टेशन में 140 सवालों के जवाब टीचरों को देता है। तो आज इस सिलसिले की फोर्थ ऑस्की टेस्ट हुआ है, टीचिंग ऑस्की। अब जो गलतियां होंगी वो उसके बाद स्टूडेंट्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि वो अपने टीचर से उसको डिस्कस करें और उसके जवाब पता करें और ये करें। तो इस तरह हमारा बड़ा एक्सटेंसिव टेस्ट है। वॉट टेस्ट इसके अलावा है, वॉट टेस्ट भी हमारा स्ट्रक्चर्ड है। उसके अंदर भी 10 मार्क्स अटेंडेंस के, 10 मार्क्स लॉग बुक के, 10 मार्क्स हिस्ट्री, जो कि 15 हिस्ट्री लाजमी है स्टूडेंट्स के लिए जनरल में वो, और फिर उसके बाद से 10 मार्क्स वर्कशॉप के और 10 मार्क्स पोर्टफोलियो के, 50 ही हो गए। और उसके बाद शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस। तो ये वो अलग टेस्ट होता है, मेडिसिन का अलग, सर्जरी का अलग, गायनियोप्स का अलग और पीड्स का अलग। तो ये 3 बड़े एक्सटेंसिव सिस्टम चल रहे हैं हमारी टीचिंग में, जिसके सिलसिले में आज ऑस्की का टेस्ट हुआ है। तो आज जाहिर है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो, और टीचर्स भी ख़ास से, यानी आप गौर करें कि 42 टीचर्स बैठ के ये टेस्ट लेते हैं साइमल्टेनियसली, 42 टीचर्स, जिसमें 7-7 के ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप में 4 मेडिसिन और 3 पीड्स, फिर 4 मेडिसिन, 3 पीड्स, फिर 4 सर्जरी, 3 गायनियोप्स, 4 सर्जरी, 3 गायनियोप्स, ये एक तरफ, और बैठ के मतलब ये तकरीबन 42 टीचर्स होते हैं और स्टेशन होते हैं। तो आज इस सिलसिले में हुआ है तो बहुत एक्सटेंसिव, बहुत मेहनत तलब, बहुत इसकी प्रिपरेशन होती है। मैं अपने कोलीग्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसमें मेहनत के साथ काम किया, स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने सीखने के लिए ज़ोर लगाया और मेहनत की। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब करे इस दुनिया में भी। और यही वजह है कि जो एमएमसी का जो एक रहा है 25वां साल है आज सिल्वर जुबली का, तो जो रिज़ल्ट इनका इतना अच्छा आता रहा है पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन का, उसकी वजह यही है कि हर अगरचे मेहनत तो बहुत कराते हैं हम लोग, और उस वक्त स्टूडेंट तंग भी आते हैं, लेकिन बाद में यही ग्रेटफुल होते हैं जब वो अपनी फील्ड में आगे जाते हैं। मेरा ख़्याल है कि जितने स्टूडेंट्स एमएमसी ने प्रोड्यूस किए जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंसल्टेंट की जॉब पे काम कर रहे हैं, कुछ तो प्रोफेसर्स तक पहुंच गए, वो उतना शायद ही इस साइज़ के किसी और मेडिकल कॉलेज ने किया हो। तो मैं फिर एक बार अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को मुबारकबाद भी देता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं इस अजीम कामयाबी पर। थैंक यू वेरी मच।